हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टेस्टबुक डॉट कॉम के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दिस इज ऋतुराज अवस्थी। और नमस्ते, हेलो सरोज, रोशनी, वदानी, टीम फिल्म्स, एयरमैन, नीलेश, रंजन, सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज जो है ना, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, तट रक्षक कहते हैं, राइट। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का ये प्रीवियस ईयर पेपर है। प्रीवियस ईयर पेपर आपको जीके और साइंस वाला पेपर है, ठीक है, तो जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। और इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जो आपका है ना, ये काफी एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट है। यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, और आपको हम यहाँ पर बताएंगे कि एग्जैक्टली इसमें जो है ना, प्रीवियस ईयर में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। सो आपको जल्दी से वीडियो को लाइक करके अपना अटेंडेंस मार्क कर देना है, सेशन को शेयर कर देना है, राइट, सेशन को शेयर कर देना है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़े उससे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी अगर आप करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, करंट अफेयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो करंट अफेयर का जो SSC रेलवे लाइव कोचिंग, ये मैं लेकर के आ रहा हूं। बिकॉज करंट अफेयर अगर देखें तो ये काफी वो रहता है, राइट, काफी क्रूशियल रहता है, और इसे आपको डे टू डे प्रिपेयर करना होता है, राइट, डे टू डे प्रिपेयर करना होता है। तो कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है, ये सारा कुछ मैं आपको बता इस पर्टिकुलर बैच में बताऊंगा, राइट। और देखो, बिल्कुल नॉमिनल सी फीस यहाँ पे आपसे ली जाती है, क्योंकि जो मुफ्त में चीजें मिलती हैं उनकी कदर नहीं होती है। और उसमें भी अगर आप ये कोड अप्लाई करते हैं, सो यू विल गेट 20% ऑफ, आपको उसमें 20% का ऑफ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपन बढ़ते हैं आगे आज की क्लास की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सिटीजन एंड सोसाइटी? सिटीजन एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आशीष जी कह रहे हैं क्लासेस डेली होगी क्या? अनीश, बिल्कुल, यहां पर अपन देखेंगे, इट्स अप टू यू। अगर आप लोग सेशन को शेयर करते हैं, राइट, और आप लोग अगर इंटरेस्ट दिखाते हैं तो क्लास डेली होगी। आनंद, यस, क्लास चालू हो चुका है, एक बार रेफ्रेश कर लीजिए आप, ठीक है आनंद। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सिटीजन एंड सोसाइटी? देखिए, सिटीजन एंड सोसाइटी नामक ये जो पर्टिकुलर पुस्तक है, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट, राइट, फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी जी के द्वारा जो है ना लिखा गया था, राइट। काफी कॉन्ट्रोवर्सियल पुस्तक रही है ये सिटीजन एंड सोसाइटी, जो हामिद अंसारी जी की पुस्तक है, और ये रिलीज की गई थी प्रणब मुखर्जी जी के द्वारा सितंबर 23 को इन्होंने, मतलब प्रणब मुखर्जी जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इसको रिलीज किया गया था। और ये जो पर्टिकुलर बुक है, ये लेक्चर्स का कलेक्शन है, लेक्चर्स का कलेक्शन है जो डिलीवरी की गई थी हामिद अंसारी जी के द्वारा, फ्रॉम द रोल ऑफ अ वुमेन इन अ मल्टी कल्चरल सोसाइटी टू अदर डायनेमिक एंड डेमोक्रेटिक नेशन, वहां तक, ठीक है। हामिद अंसारी जी के बारे में अगर हम जाने तो ये भारत के 12वें वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, उपराष्ट्रपति रहे हैं हामिद अंसारी जी, ठीक है। और जो पर्टिकुलर टीम है, मतलब जो टर्म है ना, जिसे क्या बोला गया, पोस्ट फॉर टू कंजेक्यूटिव टर्म, मतलब पहले ये 12वें प्रेसिडेंट थे, उसके जस्ट बाद फिर ये जो है ना वापस से इलेक्ट हो गए थे। अच्छा, यहां पर आती है हामिद अंसारी जी की अभी रिसेंटली लॉन्च ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है जो इन्होंने खुद से लिखी, उस ऑटोबायोग्राफी का नाम जो कि यहां पर इन्होंने लिखा था, दैट इज अ मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट बाई मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट, ठीक है, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है आपसे, वेयर इज द नेशनल वॉर मेमोरियल ऑफ इंडिया लोकेटेड? भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहां पर स्थित है? प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर कहां से मिलेगा विपल? हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर ही डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर ही डिस्कशन कर रहे हैं। सौरभ, आप भी डेली का बोल रहे हैं, सो इट्स अप टू यू, जल्दी से सेशन शेयर कर दीजिए, जितने सारे दोस्त है सबको बुला लीजिए, क्लास स्टार्ट हो गया है। अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहेगा तो क्लास डेली रहेगी, ठीक है, इट्स अप टू यू ओनली। तो यहां पर देखो, आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर की तरफ, राइट आंसर कहला जाएगा न्यू दिल्ली,
राइट, नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो नेशनल वॉर मेमोरियल है ये आपका नई दिल्ली में है, लगभग 40 एकड़ में फैला हुआ है नेशनल वॉर मेमोरियल। और जो न्यू नेशनल वॉर मेमोरियल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है ना, ये इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स जो है वहां पर इसको किया गया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपसे यहां पर देखिए पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन मिसाइल। आप डिफेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप डिफेंस में जा रहे हैं, जब आप डिफेंस में जा रहे हैं तो आपको एग्जैक्टली हमारे डिफेंस, हमारे मिसाइल सिस्टम्स वगैरह के बारे में तो जानकारी होनी ही चाहिए, राइट। व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन मिसाइल, पहली भारतीय मिसाइल का नाम क्या है, अग्नि, सागरिका, पृथ्वी, धनुष, क्या नाम है पहली इंडियन मिसाइल का। तो इसका जब आप सही उत्तर देखेंगे, फर्स्ट जो इंडियन मिसाइल है दैट इज कॉल्ड एज पृथ्वी, उसे हम पृथ्वी कहते हैं, फर्स्ट पहली इंडियन मिसाइल है जो पृथ्वी कहलाती है। और ये कैसी मिसाइल है, सो इट इज अ काइंड ऑफ सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल, राइट। सरफेस से सरफेस तक जो है ना ये आपका मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है ये पृथ्वी, सरफेस टू सरफेस, राइट, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और ये जो है ना फोर्स में कब कमांड की गई थी, साल 2003 में, राइट, 2003 में इसको फोर्सेस में कमांड किया गया था, ये डेवलप किया गया था जो इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम उसके तहत, और किसके द्वारा डेवलप किया गया था, सो दैट इज कॉल्ड एज DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO के द्वारा इसको किया गया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, राइट, जिनको पीपल्स प्रेसिडेंट कहा जाता था, वो बिहाइंड द प्रोजेक्ट थे, राइट, और उन्हीं को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टेक द करेंसी ऑफ विच कंट्री, सॉरी टका, टका इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री, टका किस देश की मुद्रा है, नॉर्वे, बांग्लादेश, पोलैंड, नन, टका किस देश की मुद्रा है ये आपको बताना है। टका किस देश की मुद्रा है, सौरभ अभी जो क्लास चल रही है बच्चे उस पर फोकस करिए ना, राइट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो जो भी होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इसका सही उत्तर आप देखिए कहला जाएगा बांग्लादेश, राइट। टका जो है ना ये करेंसी कहाँ का है, टका इज द करेंसी ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है ना ये बॉर्डर किसके द्वारा है, इंडिया से वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट, राइट, शेख हसीना वहां की प्राइम मिनिस्टर है, ढाका बांग्लादेश की कैपिटल है, और इसको अपन क्या बोलते हैं, बांग्लादेशी टका, बांग्लादेशी टका कहते हैं इसको, ठीक है, बांग्लादेशी टका कहते हैं। ढाका यहां की क्या हो जाएगी, कैपिटल कहला जाएगी, राइट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया, हु इज द फॉलोइंग, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला बैंक है, राइट, बैंक ऑफ कलकत्ता, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारत का पहला बैंक कौन सा है। तो देखिए बैंक की अगर अपन बात करते हैं तो एक लॉफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जिसको मतलब स्टेबल किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग एंड बोरोविंग, लैंडिंग और बोरोविंग के लिए। तो फर्स्ट जो बैंक है दैट इज कॉल्ड एज बैंक ऑफ हिंदुस्तान, राइट, बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसको कहा जाता है। और ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है ये फर्स्ट मतलब बैंक ऑफ इंडिया है, और इसको कब स्टेबल किया गया था, तो ये आपका 1770, राइट, 1770 यानी 1770 में इसको स्टेबल किया गया था, ठीक है, और 1829 से 32 के बीच में ये आपका लिक्विडेट हो गया था, राइट, यहां पर जाकर के वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। फिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो एक मेयर्स की अलेक्जेंडर एंड कंपनी थी जिसने ये जो पहला बैंक था यूरोपियन बैंक जिसको हिंदुस्तान बैंक कहा गया, राइट, बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसको सेटअप किया था, राइट। और यहाँ पे जो सेकंड बैंक था वो आपका जनरल बैंक ऑफ इंडिया था जो 1786 में स्टेबल हुआ था। फिर जो ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये 1955 में बना था, पंजाब नेशनल बैंक जो है 1895 में बना था, ये पहला स्वदेशी बैंक कहलाता है पंजाब नेशनल बैंक। और बैंक ऑफ कलकत्ता, तो बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास, ये तीनों जो है ना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करते थे जिनको नेशनलाइज करके SBI बनाया गया था।
अगला क्वेश्चन देखिए, इन मार्च 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी अनाउंस टू सेटअप इट्स ओन स्कूल एजुकेशन बोर्ड। मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने अपना स्कूल शिक्षा बोर्ड स्थापित करने की घोषणा करी है? अपना खुद का स्कूल शिक्षा बोर्ड स्टेबल करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, यह आपको बताना है। तो इसका जब आप सही उत्तर देखेंगे, राइट आंसर क्या कहला जाएगा, अभी जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी जिसे कहा जाता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी दिल्ली, तो ये जो एनसीटी दिल्ली है ना, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, इसने ये अनाउंस किया। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल, इन्होंने दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, राइट, ये आपका नेशनल कैपिटल पर वो किया और ये अप्रूव भी हो गया था, फॉर्मेशन ऑफ दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी 6 मार्च 2021 को। और यहाँ पे लगभग 1000 गवर्नमेंट स्कूल और 1700 प्राइवेट स्कूल हैं दिल्ली में, और जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं और जो मोस्ट प्राइवेट स्कूल हैं, ये आपके या सीबीएसई से एफिलेटेड है, राइट, तो वो आपके दिल्ली बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से आ जाएंगे। दिल्ली की बात करें तो वहां के चीफ मिनिस्टर कौन है, अरविंद केजरीवाल, और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वर्तमान में, अनिल बैजल। अगला देखिए क्वेश्चन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। भारत में जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है उसकी लेंथ क्या है, भारत में जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है उसकी लेंथ क्या है, यह आपको बताना है। What is the length of the national highway? National waterway. It's second, जो आपका सबसे longest national waterway है। देखो waterway की बात करें तो जो waterway है ना, ये क्या होता है, जो waterway है ना, तो ये आपका एक रास्ता होता है जो कहां से होकर के गुजरता है, ये water से होकर के गुजरता है, पानी से, है ना, पानी से होकर के गुजरता है। यस, इट्स वॉटर वे श्रवण, दैट्स माई मिस्टेक, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मुझे वो दिखा ही नहीं, मतलब बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ था, राइट, दैट वॉज द मेन रीजन बिहाइंड। सो इट्स नेशनल वॉटर वे, नेशनल वॉटर वे नंबर वन जो है ये आपका 1620 किलोमीटर 1620 किलोमीटर है, और ये नेशनल वॉटर वे नंबर वन कहां से, हल्दिया से शुरू होता है, हल्दिया टू अलाहाबाद जिसको प्रयागराज कहते हैं, राइट, यहां तक बना हुआ है, दिस इज नेशनल वाटरवे नंबर फर्स्ट, और ये नेशनल वाटरवे नंबर फर्स्ट जो है आपका 1620 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर के आसपास आता है। अब ये किस पर बना हुआ है, तो यहां पे गंगा और हुगली, गंगा और हुगली नदी जो है ना, ये इन दोनों पर मिलकर के बना हुआ है, गंगा और हुगली रिवर पर, ठीक है। अब ये कौन कौन से राज्यों से पास होता है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ये वो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जहां से कि ये पास होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द पीएच वैल्यू ऑफ एसिडिक सोल्यूशन इज, देखिए कहां पर अगर अपन बात करें, जब ये अपन पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का टू फाइंड द एसिडिटी एंड बेसिसिटी। एसिडिटी का मतलब जो है ना, एसिडिटी का मतलब होता है जिसको एसिड कहते हैं, और बेसिक का मतलब क्षार होता है, अम्ल और क्षार, ठीक है। तो ये पता करने के लिए, ये जीरो से लेकर के कहां तक होता है, जीरो से लेकर के 14 तक होता है, जिसमें से आप देखो 7 से कम, जैसे यहां पर हमने ये स्केल बनाया, राइट, तो ये आपका 0, ये आपका 14, बीच में आता है 7, जो 7 है ये होता है न्यूट्रल, राइट, 7 से ज्यादा ये कहलाता है आपका बेस, और 7 से कम ये कहलाता है आपका एसिड, ठीक है, एसिड एंड बेस, बात समझ आई। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन द सिटी ऑफ कानपुर, राइट, कानपुर जो शहर है उत्तर प्रदेश का, कानपुर नामक शहर से जो 1857 का रिवोल्ट है, ये किसने लेड करा था,
गाइज जितने नए लोग आ रहे हैं एटलीस्ट वीडियो को लाइक करके अपना अटेंडेंस जरूर मार्क करिएगा, सेशन को शेयर जरूर करिएगा। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो ये क्लास अपनी जो है ना अपन डेली कंटिन्यू कर देंगे। राइट, इसका सही उत्तर आप देखेंगे, राइट आंसर कहला जाएगा नाना साहिब। राइट, नाना साहिब इसका राइट आंसर कहला जाएगा। इन्होंने जो है ना कानपुर से जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है इसको लेड करा था। राइट, रिवोल्ट ऑफ 1857 को लेड करा था। और नाना साहेब का जो नाम है ये ओरिजिनल धोंदू पंत इनको कहा जाता था, इनको धोंदू पंत कहा जाता था नाना साहब को। ठीक है, धोंदू पंत कहा जाता था। अच्छा, ये जो है ना अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, और पेशवा बाजीराव जो है ना सेकंड इनके सक्सेसर थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, विच कंट्री टॉप द मेडल टेबल ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स 2018। किस देश ने कॉमनवेल्थ गेम 2018 की पदक सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? पदक सूची में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है ये आपको बताना है। ओके, अनीश कह रहे हैं आई एम फ्रॉम कानपुर, तो कानपुर उत्तर प्रदेश में है। इसका सही उत्तर आप देखेंगे, राइट आंसर कहला जाएगा ऑस्ट्रेलिया। राइट, कॉमनवेल्थ गेम जो हुए थे साल 2018 में ये आपके गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। ठीक है, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। ऑफिशियली इनको जो है ना मतलब 21st कॉमनवेल्थ गेम कहा जाता था। इसका जो मॉस्कॉट था वो बॉर्बी था, शेयर द ड्रीम इसका जो है ना वो रखा गया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। राइट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, फोर्स प्रेशर एनर्जी एंड टेम्परेचर। सदिश राशि का मतलब समझते हैं, देखिए दो पर्टिकुलर तरीके की राशियां होती हैं, एक जिनको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा जिनको कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है, ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें आपका बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होता है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होता है। जब अपन स्केलर क्वांटिटी की बात करेंगे, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है ऐसी पर्टिकुलर क्वांटिटी जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड होता है रिप्रेजेंट करने के लिए, डायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। इसमें अगर आप देखोगे तो राइट आंसर कहला जाएगा फोर्स। राइट, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इन पर्टिकुलर ऑप्शन में। राइट, क्यों, बिकॉज फोर्स का मतलब क्या होता है, द इंटरेक्शन ऑफ विच आफ्टर अप्लाइंग ऑन अ बॉडी चेंजेस और ट्राई टू चेंज। जैसे अगर हमने दीवाल पे धक्का मार रहे हैं, दीवाल पे मतलब लगाया, दीवाल पे धक्का मार रहे हैं, तो क्या दीवाल में अगर कोई मूवमेंट होगा, नहीं होगा। अगर मूवमेंट नहीं हो रहा है दैट मींस कि जो फोर्स है फोर्स आपका जीरो है। राइट, यानी वर्क डन जीरो है। राइट, तो जो भी डिस्प्लेसमेंट हो या टेंड टू डिस्प्लेस हो उसे हम यहां पर क्या बोलते हैं, फोर्स कहते हैं। कैंडला इज द यूनिट ऑफ, कैंडला इकाई है, ल्यूमिनस फ्लक्स, ल्यूमिनस इफेक्ट, ल्यूमिनस प्रेशर और ल्यूमिनस इंटेंसिटी किसकी इकाई है जिसे हम कैंडला कहते हैं। तो आप सभी यहां पर जानते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। राइट, ज्योतीय तीव्रता को हम यहां पे रिप्रेजेंट करते हैं कैंडला से। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मीजर किया जाता है एज द अमाउंट ऑफ विजिबल लाइट जो एमिट कहां से होती है, एक पॉइंट ऑफ सोर्स से पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट सॉलिड एंगल। आगे देखिए, एसिड यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरी इज, सीसा भंडारण बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है ऑक्सैलिक एसिड, HNO3, H2SO4 और HCl।
देखिए आप सभी जानते हैं बैटरीज वगैरह के बारे में, तो जो एसिड की जो मतलब यूज्ड लेड स्टोरेज बैटरी होती है ना, उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 का यूज इसमें किया जाता है, राइट। सल्फ्यूरिक एसिड आप सभी जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को आप सभी जानते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे उपयोग करा जाता है। ओके, इसके बाद यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पूछा गया है आपसे विच प्लैनेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून। प्लैनेट का मतलब आप सभी जानते हैं, राइट। प्लैनेट का मतलब होता है बॉडीज दैट डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। ऐसी पर्टिकुलर बॉडी जिनका खुद का हीट और लाइट नहीं होता है उन्हें हम प्लैनेट कहते हैं, राइट। उनको हम प्लैनेट कहते हैं। तो यहां पे कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ मून होते हैं, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स होते हैं? तो देखिए प्लैनेट अगर अपन देखें ना तो कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं प्लैनेट में आपका MVEMJSUN। ये ट्रिक है, MVEMJSUN ट्रिक को ध्यान रखिएगा, ट्रिक याद अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एम का मतलब होता है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, राइट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये आपके कहलाते हैं इनर प्लैनेट, इन्हीं को रॉकी प्लैनेट कहा जाता है, राइट। ये वाले जो है आपके दिस इज कॉल्ड एज द आउटर प्लैनेट, और इनको गैसियस प्लैनेट भी कहा जाता है, राइट। तो इनमें जो जुपिटर है ये यहां पर जो है ना सबसे लार्जेस्ट है, और यहां पे सबसे ज्यादा जो मून है ये किसके होते हैं आपके सनी के, राइट। यहां पे देखो बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स की टीम थी जिसने लगभग डिस्कवर किए थे 20 न्यू मून्स, 20 नए मून डिस्कवर किए हैं सैटर्न में, जो डिस्कवरी है टोटल नंबर ऑफ 82 मून्स हो गए हैं, राइट। सैटर्न में टोटल नंबर ऑफ 82 मून्स हो गए हैं, और जुपिटर में आपके 79 मून्स हैं, ठीक है। जुपिटर में 79 है, और यहाँ पे जो है ना आपका जो सैटर्न है, सैटर्न में कितने हैं 82 मून्स हैं। अरे ये अपडेट हो गया है भैया, जुपिटर वालों ध्यान रख लो, जुपिटर जितने लोग आंसर कर रहे हैं ध्यान रखना, ये अपडेट हो चुका है। बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने 20 नए यहाँ पर जो है ना मून्स को खोजा है सैटर्न के, और सैटर्न के टोटल मून्स कितने हो गए 82 हो गए हैं, और जुपिटर के कितने हैं 79 मून्स हैं, ठीक है। जुपिटर यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। मार्स अगर आप देखोगे तो मार्स के 2 मून हैं, इसके 2 मून हैं, फोबोस और डायमोस जिसको कहा जाता है। वीनस में आपका कोई भी मून नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया है, एज पर द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड अक्टूबर नवंबर 2021 इन विच कंट्री। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अनुसार ICC मेन T20 विश्व कप अक्टूबर नवंबर 2021 को किस देश में आयोजित किया जाएगा? इंडिया, इंग्लैंड, बांग्लादेश एंड ऑस्ट्रेलिया। हेलो रवि प्रकाश जी, कैसे हैं आप? हाय मनीष। सो यहां पे देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, ये सारी बातें ध्यान रखते चलनी है, और जितने भी लोग अगर चाहते हैं कि सेशन डेली होना चाहिए तो वीडियो को लाइक करके अपना अटेंडेंस जरूर मार्क करिएगा, राइट, अटेंडेंस जरूर मार्क करिएगा और सेशन को शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो यहां पे देखिए इसके अगर अपन सही उत्तर को देखें तो राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा, राइट आंसर यहां पर कहला जाएगा इंडिया, राइट। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अनुसार जो ICC का मेंस T20 वर्ल्ड कप है ये कहां पे हुआ था, 2020 का जो वर्ल्ड कप था ये आपका अक्टूबर नवंबर 2021 में जो है ना होने वाला था, तो ये आपका इंडिया में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है ना ICC ने आपका ये T20 वर्ल्ड कप को अनाउंसमेंट किया था, चूंकि 2020 में जो है ना पेंडेमिक, कोविड का पेंडेमिक बहुत ज्यादा था। अरे रुको तो भाई रुको तो, 2020 में आप सभी जानते हैं कोविड-19 का प्रकोप बहुत ज्यादा था, अभी भी है, तो इसको यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया, राइट, पोस्टपोन कर दिया गया था, जो कब, अक्टूबर नवंबर, राइट, 18 अक्टूबर से ये शेड्यूल्ड है अभी,
18 अक्टूबर से शेड्यूल्ड है 15 नवंबर 2020 तक, ठीक है। पहले ये कहां पे होने वाला था, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, वहां से पोस्टपोन्ड करके इनको कहां ले आए, इंडिया ले आए, राइट, अक्टूबर नवंबर 2021, फाइनल 14 नवंबर 2021 को है इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के, बताएं तो यहां पे जो कैप्टन है विराट कोहली हैं, और भारत ने एक बार आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप साल 2007 में जीता था, ठीक है, 2007 में यहां पे जीता था। तो गाइज आज की क्लास में इतना ही, राइट, और सभी लोग अगर चाहते हैं कि यहां पे आपका क्लास रेगुलर हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जाते जाते देखिए, आप सभी जानते हैं कि आने वाले टाइम में जो पर्टिकुलर एग्जाम है, ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है जिसे सीईटी कहा गया, तो इसके थ्रू होने वाला है, राइट। अगर आप बाकी के एग्जाम्स को देखें तो यहाँ पे टेस्ट बुक ने लॉन्च किया है आपके लिए एनआरएस सीईटी लाइव कोचिंग, एनआरएस सीईटी लाइव कोचिंग फॉर 10th पास, राइट, 10th पास के बाद आपके जो 12th क्लास स्टूडेंट है उनके लिए और जो ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए, ठीक है, 10th 12th और ग्रेजुएट्स तीनों के लिए। तो अगर आप एनआरएस सीईटी का बैच लेना चाहते हैं और तो बिल्कुल परचेस करें, एनरोल करें, प्रिपेयर करें, और इसमें अगर आप ये कोड यूज करते हैं RA20, ठीक है, ये एक रेफरल कोड है, RA20 रेफरल कोड है, अगर आप इस रेफरल कोड को यूज करते हैं सो यू विल गेट 20% ऑफ, आपको 20% का ऑफ मिलेगा जो भी इसका ऑनलाइन प्राइस रहेगा, ठीक है। और एसएससी सीजीएल लाइव कोचिंग का क्रैश कोर्स का बैच 2, राइट, इसका एनरोलमेंट शुरू है, और इसमें भी अगर आप ये रेफरल कोड यूज करते हैं RA20 सो यू विल गेट 20% ऑफ, ठीक है, आपको 20% का जो ऑफ है ना ये मिलेगा। सो फाइनली गाइज दिस इज फॉर द डे, आज की क्लास में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा। अभी 1 बजे 1 PM पर अपनी क्लास रहेगी लुसेंट का, आज अपन टेस्ट की बात करेंगे, राइट, लुसेंट जो है ना, लुसेंट का टेस्ट रहेगा, सैटरडे है चूंकि आज, तो अपन मिलेंगे 1 PM, तो कहीं मत जाइएगा, जुड़िएगा जरूर 1 PM।